स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज़ डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल यूनिट। हमारे पास में जो कंट्रोल यूनिट होती है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो टाइमिंग को कंट्रोल करना, डिवाइसेस को सिग्नल्स प्रोवाइड करना, उनकी किस तरीके से प्रोसेसिंग होगी, कैसे कंट्रोलिंग की जाएगी, ये सारा का सारा वर्क आपका कंट्रोल यूनिट करती है। कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी वर्क करती है। कंट्रोल यूनिट के अगर हम बेसिक वर्क की बात करें, कंट्रोल यूनिट जनरेट्स टाइमिंग्स एंड कंट्रोल सिग्नल फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल यूनिट टाइमिंग सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट ALU और मेन मेमोरी के बीच में कोऑर्डिनेशन का वर्क करती है। द कंट्रोल यूनिट कम्युनिकेट विद ALU एंड मेन मेमोरी। कंट्रोल यूनिट ALU और मेन मेमोरी के साथ में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करती है। कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के काम में आती है, मेन मेमोरी को कंट्रोल करने के काम में आती है और पेरिफेरल्स को, डिवाइसेस को कंट्रोल करने के काम में आती है। इट ऑल्सो इंस्ट्रक्ट द ALU विच ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म्ड ऑन डाटा। कंट्रोल यूनिट ALU को इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरीके का ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है डाटा पर। यस्टरडे हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में जो भी आपका ऑपरेशन कोड होता है, उस ऑपरेशन कोड के बिहाफ पर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है और द बेसिक ऑपरेशन डेट विल बी मैंशनड डेट विल बी परफॉर्म। जो भी बेसिक ऑपरेशन होगा वहाँ पे जो मैंशन होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर मैं कंट्रोल यूनिट की बात करूँ तो कंट्रोल यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसकी दो मेजर कैटेगरीज हैं। एक हमारे पास में हार्ड वायर्ड कंट्रोल होता है, दूसरा हमारे पास में माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल होता है। नाउ, हार्ड वायर्ड कंट्रोल है क्या? अगर हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में या CPU के इनसाइड जो भी कंट्रोल लॉजिक इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनमें हम गेट्स का यूज़ करते हैं। आपने एंड गेट के बारे में सुना होगा, आपने और गेट के बारे में सुना होगा। आप हमारे पास में जोर गेट होता है, फ्लिप फ्लॉप्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, डिकोडर्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और हमारे पास में और भी डिजिटल सर्किट्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको यहाँ पे पिक्चराइजेशन दिखाया गया है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें 16 बिट होती हैं, 0 से लेके 11, 12 बिट्स जो होती हैं वो एड्रेसिंग को दिखाती हैं, 12 से लेके 14 तक जो 3 बिट्स होती हैं वो आपको दिखाती हैं किस तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और जो लास्ट बिट होती है 15 वो आपको ये बताती है कि यहाँ पे एड्रेसिंग किस तरीके की हो रही है, डायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हो रही है। अब देखिए, जो आपका हार्ड वायर्ड कंट्रोल होता है इसमें हम 3x8 डिकोडर्स का यूज़ करते हैं। डिकोडर्स होते हैं और हमारे पास में क्या होते हैं, सीक्वेंस काउंटर्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट को अदर इनपुट डिवाइसेस से या फिर आउटपुट डिवाइसेस से क्या किया जाता है, अटैच किया जाता है। नाउ, हार्ड वायर्ड कंट्रोल जो यूनिट होती है उसमें हमारे पास में दो डिकोडर्स होते हैं, एक सीक्वेंस काउंटर होता है और नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स होते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है कि हम डिकोडर्स की बात करें तो मेरे पास में एक डिकोडर ये है, दूसरा डिकोडर ये है। नाउ, हमारे पास में एक सीक्वेंस काउंटर होता है जिसकी हेल्प से हम ये पता करते रहते हैं कि कौन सी स्टेप, कौन सा स्टेप या कौन सा ऑपरेशन इस समय परफॉर्म हो रहा है। Now, an instruction fetched from the memory unit is placed in the instruction register. जो भी instruction memory से fetch की जाएगी उस instruction को IR register में रखा जाएगा।
जो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के, वो इंक्लूड करते हैं 1 बिट, ऑपरेशन कोड और बिट्स 0 से लेके 11 तक। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट बताया था जिसमें हमारे पास में 0 से लेके 11 तक एड्रेसिंग बिट्स होती हैं, उसके बाद में ऑपरेशन कोड होता है और लास्ट में हमारी किस तरीके से हम स्पेसिफाई करेंगे किसी भी ऑपरेशन कोड को। स्टूडेंट्स, जो ऑपरेशन कोड होता है वो हमारा 12 से लेके 14 बिट का होता है और इसको डिकोड किया जाता है 3x8 डिकोडर की हेल्प से। आउटपुट है डिकोडर का, उसको डेजिग्नेट किया गया है D0 से लेके D7 तक। देखिए, जैसा कि मैं इस डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में मेरे पास में D0, ये 0 से लेके D7 तक का जो एरिया है वो आपको ये बता रहा है कि ऑपरेशन कोड किस तरीके का है, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। नाउ स्टूडेंट्स, द ऑपरेशन कोड एट बिट 15 इज ट्रांसफर टू ए फ्लिप फ्लॉप डिजाइन बाय द सिंबल आई। जो ऑपरेशन कोड होता है 15 जो बिट होती है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है फ्लिप फ्लॉप पे। मैंने आपको बताया कि जब भी हम हार्ड वायर्ड कंट्रोल का यूज़ करेंगे तो हमारे पास में डिकोडर होंगे, फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, हमारे पास में लॉजिक गेट्स होंगे। द ऑपरेशन कोड्स फ्रॉम बिट 0 to 11 आर अप्लाइड टू द कंट्रोल लॉजिक गेट। जो ऑपरेशन कोड होता है 0 बिट से 11 तक उसको कंट्रोल लॉजिक गेट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सिक्वेंस जो काउंटर होता है उसकी जो काउंटिंग होती है वो 0 से लेके 15 तक होती है। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास में सेकंड कैटेगरी है कंट्रोल यूनिट की, वो क्या है? माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा वो आपका प्रोग्रामेटिकली होगा, यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग अप्रोच का यूज़ करेंगे। मैं अगर माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट की बात करूँ, द माइक्रो ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड बाय एग्जीक्यूटिंग ए प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हमारे पास में एक प्रोग्राम होता है जिसमें कि हमारे पास में बहुत सारी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से किसी भी माइक्रो ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। अब हम इसका एक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को यूज़ किया है। स्टूडेंट्स, दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमारे पास में कोई एक्सटर्नल इनपुट होता है, हमारे पास में सिक्वेंसर है, हमारे पास में कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर है, हमारे पास में कंट्रोल मेमोरी है, कंट्रोल डाटा रजिस्टर्स है। यहाँ से कंटिन्यूसली एक लूप के थ्रू इसका क्या होता है, रनिंग चलती रहती है और लास्ट में हमारे पास में एक कंट्रोल वर्ड आता है जिसकी हेल्प से हम उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल मेमोरी एड्रेस रजिस्टर स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शन। अगर मैं कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की बात करूँ, दिस इज़ द सेकेंड रजिस्टर, तो यहाँ पर ये स्पेसिफाई होता है कि किस तरीके से आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस फेच करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, द कंट्रोल मेमोरी इज एज्यूम्ड टू बी ए रोम। जो हमारे पास में यहाँ पे कंट्रोल मेमोरी होती है वो क्या है, रोम है, विद इन विच ऑल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज परमानेंटली स्टोर्ड। इसके इनसाइड किसी भी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन को हम परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम रजिस्टर्स का यूज़ नहीं करेंगे, फ्लिप फ्लॉप का यूज़ नहीं करेंगे, डिकोडर्स का यूज़ नहीं करेंगे, लॉजिक गेट्स का यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, जो भी हम वर्क परफॉर्म करना चाहते हैं, वो सारा का सारा वर्क आपका प्रोग्रामेटिकली होता है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है रोम की हेल्प लेनी होगी। हो सकता है कि यहाँ पे हम ईपी रोम का यूज़ करें या फिर डबल ई रोम का यूज़ करें। जो कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं वो होल्ड करते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शन को और इनको फेच किया जाता है मेमोरी से।
कंट्रोल रजिस्टर होल्ड द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फेस्ट फ्रॉम द मेमोरी. द माइक्रो इंस्ट्रक्शन कंटेन ए कंट्रोल वर्ड डेट स्पेसिफाई वन और मोर माइक्रो ऑपरेशन फॉर द डाटा प्रोसेसर. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक लूपिंग प्रोसेस है, ये एक इटरेटिव प्रोसेस है. यहाँ पर सबसे पहले हम डाटा को फैच करते हैं, फिर वो डाटा आपका कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर के पास में जाता है, फिर कंट्रोल मेमोरी आती है, देन वी विल गेट अवर डिज़ायर्ड आउटपुट. तो यहाँ पर जो भी हमारे पास में कंट्रोल वर्ड आएगा वो आपको ये स्पेसिफाई करेगा कि किस तरीके का माइक्रो ऑपरेशन डाटा प्रोसेसर पर आपको परफॉर्म करना है. वाइल द माइक्रो ऑपरेशन आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, माइक्रो ऑपरेशन का एग्जीक्यूशन चल रहा होता है, एट द सेम टाइम द नेक्स्ट एड्रेस इज कंप्यूटेड इन द नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सर्किट. कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर सर्किट में आके सेव कर दिया जाता है, कंप्यूट कर दिया जाता है, और इसके बाद में इस एड्रेस को ट्रांसफ़र किया जाता है कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर में, जिसकी हेल्प से नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन को रीड किया जाता है. स्टूडेंट्स, अगर मैं नेक्स्ट एड्रेस जनरेटर की बात करूं तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर है, माइक्रो प्रोग्राम सिक्वेंसर है, जिसका बेसिक वर्क होता है टू फाइंड आउट द एड्रेस सिक्वेंस. एड्रेस सिक्वेंस क्या है, उस एड्रेस को रीड करना कंट्रोल मेमोरी से, जिसकी हेल्प से आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो टाइमिंग जनरेट्स करती है, कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करती है, जिससे कि आपका कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी से और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से रेगुलरली कम्युनिकेशन करती रहती है. कंट्रोल यूनिट का जो डिज़ाइन है उसके अंदर जो भी ट्रांसमिशन है प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में, किस तरीके का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस हमको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, और ये जो हमारी कंट्रोल यूनिट होती है ये भी स्पेसिफाई करती है कि किस तरीके का ऑपरेशन आपको डाटा पे परफॉर्म करना है. हमारे पास में दो तरीके के डिज़ाइन दिए गए हैं, एक हमारे पास में हार्ड वायर्ड कंट्रोल है, दूसरा हमारे पास में माइक्रो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.